आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत के अब जो है रोजाना नए नए कांड जो है वो पब्लिक के सामने आने शुरू हो गए हैं। ईडी के द्वारा इनके द्वारा किए गए एक एक कांड का जो है पूरी तरह से लेखा जोखा तैयार कर लिया गया है और ईडी की टीम के द्वारा लगातार इनके जो भी किए गए कांड है पुराने उसको पब्लिक के सामने लाना शुरू कर दिया गया है। और इस केस में अब जो गवाह थे वो भी सामने आ चुके हैं और संजय राउत के खिलाफ में उन्होंने एक के बाद एक जमकर गवाही दी है, जिसकी वजह से संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो जहां पे अभी तक बोला जा रहा था कि संजय राउत बेगुनाह हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संजय राउत को अब जेल से आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आपको बता दूं कि एक एक नहीं बल्कि दो दो महिलाएं पब्लिक के सामने आ चुकी हैं और उन्होंने शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ में बयान दे दिया है। और ये महिलाएं कौन सी हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ में ही आपको बताऊंगा कि आखिरकार कितना खजाने को लेकर क्या अपडेट दी गई है। लेकिन उससे पहले बोलूंगा कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो। साथ में ही आपको बता दूं कि शिवसेना के सांसद संजय राउत की जो जमानत याचिका थी जिस पर आज के सुनवाई होने वाली थी उस याचिका पर आज सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट के जज ने इसको 27 सितंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जिसकी वजह से पहले ही शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और संजय राउत को लग रहा है कि अब जल्दी जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में एक महिला के द्वारा संजय राउत के ऊपर आरोप लगाते हुए बोला गया कि संजय राउत ने बेहिसाब पैसा फर्जी कंपनियों में लगाया है और ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के सामने नहीं बोला जा रहा है बल्कि ये गवाही भी दी गई है वो भी ईडी के सामने इस महिला के द्वारा। इनका नाम है डॉक्टर स्वप्ना पाटकर। डॉक्टर स्वप्ना पाटकर ने जो अपना गवाही दी है उसमें सीधे सीधे बोला गया है कि संजय राउत ने घोटाले से बेहिसाब पैसा फर्जी कंपनियों में लगाया है, मतलब कि इनके पास पूरे घोटाले के पैसे से पूरा खजाना भरा हुआ है। ये आरोप जो है डॉक्टर स्वप्ना के द्वारा लगाया गया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी यही चीजें लिखा गया है और मीडिया के सामने भी डॉक्टर स्वप्ना के द्वारा यही दावा किया जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने घोटाले के पैसे को उनके द्वारा बोला गया कि अपने परिवार के नाम से शुरू की गई फर्जी कंपनियों में बदल दिया। उन्होंने ठाकरे के फिल्म प्रोजेक्ट में भी बेहिसाब पैसा डाइवर्ट किया। आपको जान के हैरानी होगी कि बाला साहब ठाकरे के ऊपर एक मूवी बनी थी उस प्रोजेक्ट को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप किसके द्वारा लगाया गया है? डॉक्टर स्वप्ना के द्वारा लगाया गया है, वो भी संजय राउत के खिलाफ में। ये पहली महिला है और दूसरी महिला ने क्या गवाही दी है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर स्वप्ना ने क्या क्या बात बोली है उसके बारे में बता दूं। उनके द्वारा बोला गया कि जब ठाकरे मूवी आई थी उस प्रोजेक्ट में भी अच्छा खासा पैसा मतलब कि बेहिसाब पैसा जो है संजय राउत के द्वारा डाइवर्ट किया गया। ये आरोप जो है डॉक्टर स्वप्ना पाटकर द्वारा लगाया गया है। आपको बता दूं कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने घोटाले से पैसे को अपने परिवार के नाम पर शुरू की गई फर्जी कंपनियों में बदल दिया डॉक्टर स्वप्ना के द्वारा बोला गया, जो इस मामले में परिवर्तन निदेशालय की महत्वपूर्ण गवाह है। उनके द्वारा दावा किया गया कि उन्होंने फिल्म प्रोजेक्ट ठाकरे में बेहिसाब पैसा डाइवर्ट किया। राउत एक पात्राचाल जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में हैं और ईडी ने हाल ही में उनके खिलाफ में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट की है, उसमें भी यही चीजें सामने आई हैं। राउत की जमानत अर्जी पर बुधवार यानी कि आज के दिन सुनवाई होनी थी लेकिन उसको भी टाल दिया गया है और अब इसको जो है 27 सितंबर के लिए रख दिया गया है। राउत ने राइट्स एंटरटेनमेंट LPG नामक कंपनी की स्थापना की, इसके जरिए उन्होंने फिल्म ठाकरे का निर्माण किया। सबसे बड़ी बात कि इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि राउत ने राउट्स एंटरटेनमेंट LPG नाम की एक कंपनी की स्थापना की है, इसके जरिए उन्होंने फिल्म ठाकरे का निर्माण किया। इस प्रोजेक्ट में उसने अपना बेहिसाब पैसा डाइवर्ट कर दिया। अप्रैल 2021 तक उसकी एक शराब कंपनी में भी रुचि है। पाटकर ने दावा किया कि हाल के दिनों में उसने परिवार के नाम पर फर्जी कंपनियां शुरू करने के बाद भी उसमें बेहिसाब पैसा लगाना शुरू कर दिया, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। बेहिसाब पैसे जो है उन्होंने उनके द्वारा इकट्ठा किए गए और ये जो पैसे आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से धोखेधड़ी करके मतलब कि अलग अलग जगहों से गलत तरीके से कमाया गया है। ये आरोप जो है डॉक्टर स्वप्ना के द्वारा लगाया गया। उनके द्वारा बोला गया कि फिल्मों में भी इन्होंने पैसा लगाया और शराब को लेकर भी इनके द्वारा दावा किया गया कि एक शराब के प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने पैसा लगाने की बात कही थी। एक शराब की कंपनी थी उसमें भी रुचि दिखाई थी, शायद उसमें भी संजय राउत के द्वारा अच्छा खासा पैसा लगाया गया है। बाय द वे इन दावों
दावों की वजह से शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुछलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यही नहीं, संजय राउत के द्वारा जबरदस्ती करने की भी अपडेट आ रही है। संजय राउत के द्वारा जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा करने को लेकर एक दूसरी गवाह ने गवाही दी, जहां पर अपडेट आ रही है कि जब इन जमीनों को जिसमें ये घोटाले के केस में अभी फंसे हुए हैं, इन जमीनों के ऊपर जब कब्जा करना शुरू किया गया था संजय राउत के द्वारा, तो उसमें जो उनकी फैमिली मेंबर हैं जिनकी ये जमीनें थी वो देने के लिए रेडी नहीं थे। और इन्हीं में से एक जो विक्रेता था उसकी बेटी ने गवाही दी है। उसने भी सीधे सीधे इस चार्जशीट में संजय राउत के खिलाफ में बोला है कि संजय राउत के डर की वजह से उनके पिता को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी, जबकि वो नहीं चाहते थे, ना ही वो जो है उस पैसे से खुश थे, लेकिन संजय राउत की डर की वजह से संजय राउत ने जबरदस्ती करके उन पे जो है अपना कब्जा कर लिया। सीधे सीधे ये आरोप उनके द्वारा भी लगाया गया है। तो मतलब एक नहीं बल्कि दो दो महिलाओं के द्वारा संजय राउत के खिलाफ में बयान दिया गया है, जिसकी वजह से ईडी के द्वारा ये दाखिल किया गया है केस संजय राउत के खिलाफ में, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और संजय राउत की अब बचने की चांसेस जो है वो 99.9% नहीं है। तो मतलब संजय राउत बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उनकी हालत आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। डॉक्टर स्वप्ना से लेकर अलग अलग तरीक़ों से कई और गवाह जो है सामने आ चुके हैं। यही नहीं, इस पूरे के पूरे केस में जो ऑफिसर इन्वॉल्व थे, यानी कि जो ऑफिसर इन लोगों के दिए गए इशारों पे काम करते थे, उन लोगों ने भी गवाही दी है कि इसमें संजय राउत का एक बहुत ही बड़ा हाथ था। बाय द वे आपको बता दूं कि अभी जो है प्रवीण राउत को बोला जा रहा था कि वो पूरे के पूरे केस का मास्टरमाइंड है, लेकिन चार्जशीट में जो सामने आया है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि चार्जशीट में जो पब्लिक के सामने आया है उसमें सीधा सीधा बोला गया है कि पूरे के पूरे केस का जो मास्टरमाइंड है वो कोई प्रवीण राउत नहीं बल्कि संजय राउत हैं। संजय राउत ने ही अपनी जगह पर प्रोजेक्ट सही से चले, जिससे कि सारा चीज़ें उनके पास में इंफॉर्मेशन जाती रहे, इसके लिए उन्होंने प्रवीण राउत को अपने अंडर में लगाया था, ऐसा जो है अपडेट आ रही है। बाय द वे ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। अगर ऐसा सब चीज़ें हैं तो संजय राउत की जो जमानत याचिका है वो तो खारिज होगी होगी, और अगर इसके सबूत भी होंगे, बाय द वे सबूत होंगे क्योंकि गवाह मिल चुके हैं, तो संजय राउत को जो है लंबे टाइम तक जेल में ही रहना पड़ेगा, जैसे कि इस टाइम नवाब मलिक और अनिल देशमुख। इनका जो है आप लोगों ने ताज़ा खबरें जो है इनके बारे में सुनी होगी कि ये दो के दोनों लोगों की जमानत याचिका हर बार जो है खारिज कर दी जाती है कोर्ट के जज के द्वारा, क्योंकि ईडी के द्वारा जमकर इनकी जमानत याचिका का विरोध किया जाता है। और यही काम संजय राउत के केस में भी किया गया है, वो भी सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा। ईडी ने संजय राउत की जमानत याचिका का जमकर विरोध किया है, शायद इसीलिए कोर्ट के जज ने आज इनकी याचिका पर सुनवाई भी नहीं की और इसको जो है एक्सटेंड कर दिया, वो भी कब तक के लिए, 27 सितंबर के लिए। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, इन सब चीज़ों को लेकर संजय राउत के ऊपर जो आरोप लगे और इन्होंने जो कांड किए हैं उन सबको लेकर जो ईडी के द्वारा खुलासे किए जा रहे हैं, आप इन बातों को लेकर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। नमस्कार।